व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोती वर्क राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मोती से कप और प्लेट किस तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसका एक वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, बट मैंने उसमें सिर्फ आपको दिखाया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरीके से इस कप को और इस प्लेट को बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है, चलिए आपको आगे बताते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हो, बट दो कलर का ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी कलर ले सकते हो। और ये मोती की बात रही तो मैं ये जो बनाना है मुझे, इसके लिए मैं ले रही हूँ स्काई कलर की मोती और ले रही हूँ ग्रीन कलर की मोती। तो ये दो कलर का कॉम्बिनेशन मैं करने वाली हूँ। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, ग्रीन और ये जो है रानी कलर है, पिंक कलर में है, तो ये मैंने यूज़ किया है। तो आप कोई भी कलर ले सकते हो। और रही बात मोती की, कौन सी मोती यूज़ करनी है, तो ये क्रिस्टल मोती है, जैसे कि आप देख सकते हो। आप चाहें तो कोई भी मोती यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक मोती, क्रिस्टल मोती या कोई भी मोती हो। और मोती का साइज मैंने ये जो है ये 8 नंबर की मोती है। आप 6 नंबर की भी मोती से बना सकते हो, 10 नंबर की मोती से भी बना सकते हो, या और चाहें तो किसी भी मोती से बनाए। मोती के हिसाब से आप थ्रेड का यानी लैलून धागे का जो यूज़ होता है उसका ध्यान रखिएगा। और इसे हमें बनाने के लिए चाहिए लैलून धागा, जैसा कि मैंने आपको कहा, और एक छोटी सी सुई। अब चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो हमें करनी है वो हमें लेनी है 5 मोती पहले, सॉरी 5। और 5 मोती का हमें एक घर बना लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 और ये 2 5। और इस तरीके से मैंने सुई में ऐड कर लिया है 5 स्काई कलर की मोती। आप जिस कलर की यूज़ करें उसका यूज़ करें। और इस तरीके से 5 मोती का जो है गांठ लगा लीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो 5 मोती है इसका मैंने गांठ लगा लिया है। अब यहाँ पे हमारा धागा है और इस धागे के अंदर हम ऐड करेंगे 5 मोती फिर से, और इसे हम जो है इस मोती के अंदर ऐड कर देंगे। अब जो दोस्तों क्या करना है, इस 5 मोती के ऊपर हमें 6 6 मोती का घर बनाना है। तो ये जो था 5 मोती और इसमें मैंने ऐड किया, तो ये 6 मोती का घर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मोती में आएंगे और इस मोती में आने के बाद यहाँ पे देखिए, ये मोती है और एक मोती इधर की लेनी है, तो ये 1 2 मोती हो गए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 मोती, तो ये 6 मोती हो जाएंगे टोटल। तो ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने 4 मोती ऐड किए हैं और ये इस तरीके से फिर से एक 6 मोती का घर हो गया। अब जो है दोस्तों, इसके अंदर से हमें धागे को घुमा लेना है दूसरी तरफ, सारे मोतियों के बीच से इसमें, फिर इसमें और फिर इस मोती में। और इसमें आने के बाद फिर से हम यहाँ पे लेना है 4 मोती। तो ये देख सकते हो, 4 मोती लेके मैं फिर इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये फिर से 6 मोती का घर हो गया। और फिर से इस मोती में आएंगे, फिर से इसमें, और यहाँ पे जो देखिएगा कि आमने सामने आ गया है वहाँ से आप ऐड करना स्टार्ट करिएगा। तो ये मोती आमने सामने है और मैं फिर से इसमें ऐड कर रही हूँ 4 मोती। तो ये इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फिर से 4 मोती। और अब जो है इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर से इसमें मैं घुमा लूँगी, जैसा कि मैंने पीछे किया था वैसे ही घुमाना है। घुमा लेते हैं इसे दोस्तों। घुमाने के बाद ये मोती आमने सामने है, बट यहाँ पे अब हमें कोई घर नहीं बनाना, क्योंकि 4 घर बन चुके हैं मोतियों के। एक और बनाना है तो हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इस मोती में ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ 3 मोती और इसे कर देंगे हम इसके अंदर ऐड। तो ये इस तरीके से ऐड हो गया। अब हम यहाँ आएंगे और फिर ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से हम लेंगे 2 मोती है। यहाँ पे फिर से हमें 6 मोती का घर बनाना है, तो 2 मोती है और हमें 4 मोती चाहिए। तो ये मैंने 4 मोती लिया है और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो ये 6 मोती का जो है घर बन जाएगा। तो ये 4 मोती इसमें ऐड हो गया अब इसके अंदर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी।
यहाँ पे हमें बनाना है 5 मोती का घर। तो एक और ये दो, ये 2 मोती है और 3 मोती मुझे इसमें ऐड करना है। तो ये रही, और इसके अंदर ये ऐड हो गया 5 मोती का घर। अब इसके बाद फिर इसमें आएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे फिर से हम 3 मोती। अब ये मोती जो है इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये फिर से 6 मोती का घर हो गया। फिर इसे राउंडली हम घुमा लेंगे, इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसमें, और फिर इसमें, फिर इसमें, 1 6 और 1 5 ऐसे करके हमें बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 5 मोती का घर बनाया, वैसे यहाँ पे 5 मोती का घर बनाना है, और फिर से ऐसे ही 6 मोती का घर बनाना है। इसी तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने राउंड पूरा ये जो है 5 और 6 मोती का घर बना लिया। ये 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5 ऐसे करके मैंने बना लिया। लास्ट में ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3 मोती है और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 मोती। फिर इसके अंदर ऐड करके ऊपर की तरफ आएंगे हम फॉर्म भर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा धागा है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 मोती मैंने ऐड किया है, और ये दूसरी तरफ मैं इसमें ऐड करूँगी 4 मोती ऐड करने के बाद। तो ये 6 मोती का घर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसे पूरा राउंड हम 6 6 मोती का जो है वो घर बनाएंगे। तो पहले इन मोतियों के अंदर से मैं राउंड एक बार निकाल लूँ, घुमा लूँ। अब यहाँ पे, अब पहले तो मैंने ऐड किया 6 4 मोती, बट यहाँ पे ये 1 और ये 2 ये मोती बढ़ गया है। तो इस वजह से अब यहाँ से मैं ऐड करूँगी 3 3 मोती। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 मोती है और 3 मोती ऐड करूँगी, तो ये 6 मोती का घर बन जाएगा। सॉरी, तो इस तरीके से मैंने 6 3 मोती लिया है और इसमें ऐड कर दिया। देखिए 6 मोती का घर बन गया। अब फिर से हम ऐसे ही करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे, फिर इस मोती में ऐड करेंगे, फिर इस मोती में ऐड करेंगे, और यहाँ भी आप देखोगे कि 1 मोती बढ़ा है, इस वजह से यहाँ भी 3 मोती दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से इस पूरे राउंड को हम कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें मैंने 6 6 मोती का पूरा लाइन ये जो है बना लिया है, और ये बचा लास्ट। तो हमारा धागा यहाँ पे है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मोती, जिससे ये कंप्लीट हो गया। और इनके बीचों बीच से धागे को निकाल देंगे। और फिर इस मोती में, अब दोस्तों यहाँ भी हमें ऐड करना है 6 6 मोती, बट तो अब यहाँ भी मैंने 4 मोती लिया है ऐड करने के लिए। तो पहले लेंगे स्काई कलर, उसके बाद 2 ग्रीन, उसके बाद 1 स्काई कलर। आप जो ले रहे हो वही कलर लेना। तो इस तरीके से हमें ऐड करना है। इसे भी हम धागे को भी चार तरफ से घुमा लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसे मैंने घुमा के यहाँ से फिर इस मोती में लेकर मैं चली आई हूँ। अब फिर से जैसे कि हमने नीचे किया था 3 3 मोती ऐड करेंगे, उसी तरीके से इसे भी राउंड हमें 6 6 मोती कर ऐड करना है, बट इसमें कलर जो है हम ऊपर ग्रीन रखेंगे। तो इसके लिए हम 1 लेंगे स्काई कलर की मोती, और उसके बाद 2 लेंगे ग्रीन कलर की मोती। इस तरीके से क्या होगा, ये जो ऊपर है ऊपर ग्रीन मोती आनी चाहिए लाइन टू लाइन, वैसे होती जाएगी इस तरीके से। और फिर से हम इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर, और फिर इसके अंदर, और इसी तरीके से हम इस लाइन को भी घुमा लेंगे। तो चलिए घुमा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसे भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हमारा जो है लास्ट है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ ग्रीन कलर की मोती, सिर्फ 2, और ये इस तरीके से ऐड हो गया। अब जो है मैं इस मोती में आऊँगी, और उसके बाद इसमें, फिर इसके
इसके ऊपर वाली मोती में। तो दोस्तों हमारा जो धागा है यहाँ पे है, आप देख सकते हो। अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी 7 ग्रीन कलर की मोती, और ठीक इसके नीचे सीधे देखेंगे ये जो मोती है, ठीक इसके नीचे ठीक ये जो मोती है, ये इसके अंदर 7 मोती ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर दूँगी। ये आप देखोगे इसमें ऐड हो गया। अब इसके बाद जो है मैं इसके सामने जो मोती होगी उसके अंदर ऐसे ऐड करते हुए घुमा लूँगी, और फिर इस मोती में, फिर इसमें, और इसमें ऐड करने के बाद फिर से मैं ऐड करूँगी इसी मोती में, इस मोती के अंदर से ऐड करते हुए सुई को ऊपर की तरफ ले जाएंगे हम। तो ये इस तरीके से ऐड हो गया। अब जिसमें ये ऐड था उस मोती में हम ऐड कर देंगे फिर से। और इसे अंदर की तरफ ले आएंगे सुई को, और यहाँ पे हम एक छोटा सा गांठ लगा के इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कीजिए धागे को। देखेंगे यहाँ पे गांठ लग गया है और इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जो कप है वो तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। तो चलिए हम इसका जो प्लेट है उसे बना लेते हैं। दोस्तों इसके प्लेट को बनाने के लिए सेम जैसे हमने इसके शुरुआत में किया था वैसे ही करना है, बट यहाँ पे हमने 5 मोती ऐड किया था और इसमें हमें 6 मोती ऐड करना है। तो 6 मोती ऐड करके मैंने इसमें गांठ लगा लिया है, और इसके बाद मैं इसमें जो है 6-6 मोती का घर बनाऊंगी जैसे कि हमने इसमें बनाया हुआ था। तो चलिए बना लेते हैं। तरीका वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें जो है मैंने 5 मोती ऐड की है, और ठीक इसके पीछे से फिर इसे ऐड कर देंगे। तो ये 6 मोती का घर हो गया, और फिर इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ से अब हम ऐड करेंगे 4-4 मोती। तो फिर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 मोती। तो इसी तरीके से 6-6 मोती का घर बना लेना है। इसमें मैं राउंडली घुमा दूँगी, तो चलिए बना लेते हैं 6-6 मोती का घर। तो दोस्तों ये 6-6 मोती का घर बन गया है। उसमें 5 मोती थे इसलिए 5 मोती का घर था, और इसमें 6 मोती थी इसलिए 6 मोती का घर बना है। और उसके बाद फिर सेम हमें वैसे ही करना है, ऊपर 6 मोती का घर बनाना है। तो ये 2 मोती हैं और 4 मोती मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये 6 मोती का घर हो गया। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 5 मोती का घर बनाना है। तो इसके अंदर धागे को ऐड करेंगे और इसमें 3 मोती ऐड करेंगे, और ये 3 मोती मैंने ऐड किया है, और इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 मोती का घर, और फिर आगे की तरफ आएंगे और इसमें ऐड करेंगे, या फिर आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से ये 3 मोती हो गया, 1, 2, 3, और फिर यहाँ से 3 मोती ऐड करके 6 मोती का घर बना देंगे। इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट में मैं 5 घर बना रही हूँ। तो इसमें 2 मोती सिर्फ मैंने ऐड की है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा गांठ लगा देंगे।
इसे कर देंगे कट। तो इस तरीके से ये हमारा जो कप और प्लेट है वो बनके तैयार हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ज़रूर करिएगा।